हेलो गाइस, हम लोग बात करेंगे टेट्रा थायोनेट आयन में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मान लेते हैं, एक्स, तो सल्फर की एक्स मान लेंगे। फोर सल्फर हैं तो फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सिक्स ऑक्सीजन हैं तो सिक्स इंटू ऑक्सीजन की कितनी होती है माइनस टू, तो माइनस टू लिख लेंगे इक्वल टू। अब इसके ऊपर कितना चार्ज है, माइनस दो, तो यहाँ पे माइनस टू लिख देंगे। तो फोर की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फोर एक्स हो जाएगा, सिक्स की टू से करेंगे तो माइनस सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इक्वल टू माइनस टू। अब माइनस ट्वेल्व हम इक्वल की साइड लाएंगे किसका हो जाएगा, प्लस ट्वेल्व माइनस टू, ट्वेल्व में से टू का कितना बचेगा टेन, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा टेन, और फोर कहाँ चला जाएगा इसके डिवाइड में, यानी टेन अपॉन फोर डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2.5। यानी यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2.5, लेकिन ये 2.5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या है, हमारी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोग देखेंगे यानी जो सल्फर मौजूद है यहाँ पर फोर, उनकी सबकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद है। उसे पता करने के लिए हमें सल्फर का टेट्रा थायोनेट आयन का हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो पहले फोर सल्फर लिख लेते हैं। सल्फर भी ऑक्सीजन के ग्रुप में यानी सिक्स के ग्रुप में आता है, तो सल्फर जो होगा वो भी दो बॉन्ड बनाता है जनरली। हालांकि अपने ऑक्टेट का एक्सपेंड कर सकता है, विस्तार कर सकता है, क्यों, क्योंकि सल्फर का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट का लिख रहा हूँ, 3s2 और 3p4 आएगा, यानी इसमें जो 3d होगा वो वैकेंट होगा, इसलिए अपने ऑक्टेट का क्या कर सकता है, विस्तार कर सकता है। जिनका भी वैकेंट ऑर्बिटल जिनमें होते हैं वो अपने ऑक्टेट का क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, इसलिए सल्फर अपने ऑक्टेट का विस्तार कर सकता है। अब बाकी बचे हमारे कितने, सिक्स ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो सिक्स ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, तो एक दो तीन यहाँ पे हो गए, एक दो और तीन यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। अभी दो माइनस बचे हैं, तो एक माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, एक माइनस यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी नहीं हुई है, तो ये जो सल्फर होता है अपने लोन पेयर इसको दे देता है, ये इसको लोन पेयर दे देगा, ये इसको लोन पेयर दे देगा, ये इसको लोन पेयर दे देगा, यानी दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपने अपने इसको दे दिए। आप चाहें तो डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, क्योंकि अपने ऑक्टेट का विस्तार कर सकता है, इसलिए डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं आप, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन की भी पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, यहाँ पे क्या है हमारा ऑक्सीजन है, तो इसकी कितनी हो जाएगी माइनस टू, इसकी कितनी हो जाएगी प्लस टू। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की माइनस टू, सल्फर की प्लस टू, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एक बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, क्योंकि एक इसके ऊपर क्या है ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा एक माइनस और आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा एक प्लस आ जाएगा, यानी ये वाला जो सल्फर है वो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। इस वाले सल्फर की बात करें तो यहाँ पर माइनस टू और यहाँ पर प्लस टू आ जाएगा, इसकी बात करें यहाँ पर माइनस टू और यहाँ पर प्लस टू आ जाएगा, यहाँ पर भी एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है, तो एक माइनस एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा ये यहाँ से एक बॉन्ड से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक प्लस आ जाएगा, यानी यहाँ पर भी कितना आया 2, 2, 4 और 1, 5 प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी बचे ये दोनों सल्फर, तो यहाँ पे सल्फर इस साइड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी सल्फर जुड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी जब सेम होती है तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहते हैं, तो इस सल्फर की भी ज़ीरो हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, और इस सल्फर की भी ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि ये सल्फर हमारा और ये सल्फर प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, और ये सल्फर ज़ीरो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। तो फाइव फाइव कितना था टेन, फोर थे सल्फर, टेन अपॉन फोर यानी कितनी एवरेज आएगी 2.5, लेकिन एक्चुअल में जो सल्फर है सबकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद है। थैंक यू।